नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग हम करने जा रहे हैं। यह है 4 अपॉन एक्स प्लस 3 वाई बराबर 14, 3 अपॉन एक्स माइनस 4 वाई बराबर 23। पिछले क्वेश्चंस में हमें 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वाई सीधा ही दिया हुआ है, सिर्फ एक्स जो है वो बटे में है, यानी एक्स जो है हर में है। तो हम यहाँ पर लेंगे पुट 1 अपॉन एक्स बराबर ए। अब 1 अपॉन वाई बराबर बी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वाई पहले ही ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो 4 × 1 अपॉन एक्स की जगह हो गया ए प्लस 3 वाई बराबर 14। इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ, 3 × 1 अपॉन एक्स का मतलब है ए, 1 अपॉन एक्स ए के बराबर है, -4 वाई बराबर 23। ठीक है, अब कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये ए और वाई में क्यों आई, या तो एक्स और वाई में होनी चाहिए या ए और बी में। ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों, जो समीकरण है वो किसी भी चर के साथ हो सकती है, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो हमारे पास ये दो अभी हमने रैखिक समीकरणें बनाई हैं, इनको ले लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जो अगला काम है, मैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ, जो आपने सबसे पहले विधि सीखी थी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे 4a बराबर 14, 3y इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, a बराबर 14 माइनस 3y, 4 इधर a के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा भाग। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये जो a की वैल्यू है इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। आइए आगे देखते हैं। 3 × a, ए की जगह ये वैल्यू 14 − 3y/4, आगे है -4y/23। इसे हम हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 4, 4 को 4 से भाग किया 1, उस 1 को ऊपर गुना कर दो, 1 3 से गुना हो क्या होगा 3, 3 को 14 से गुना किया 14 = 42, माइनस का निशान तो माइनस, 3 को 3y से गुना किया 3 * 9y, आगे माइनस, 4 को 1 से भाग किया 4, 4 को ऊपर 4y से गुना कर दिया तो 16y = 23। अगले स्टेप में 4 यहाँ इस पूरे के साथ भाग हो रहा है, जब उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 23 को 4 से गुना कर दो, 4 * 3 = 12, हासिल आया 1, 4 * 2 = 8 और 1 = 9, 23 * 4 = 92। और यहाँ क्या बच गया देखिए, 42 माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 9 25y, और साथ में साइन माइनस का, क्योंकि दोनों रख में माइनस की है। अगले स्टेप में -25y = 92, 42 इधर प्लस हो रहा उधर आके हो जाएगा माइनस, -25y = 92 में से 42 निकल गया तो आ गया 50, y आ गया 50, -25y के साथ गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग, तो -25, 25 से 50 कट गया 2, -(+-), तो y की जो वैल्यू है वो आ गई -2। ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, इस y की वैल्यू को हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में है a बराबर 14 − 3 × y, ये देखो 14 − 3 × y, वाई की जगह ले लो -2/4,
तो ये आ गया 14 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 14 प्लस 6 बटा 4, 14 प्लस 6 होता है 20 बटा 4। तो जब 20 से 4 कटेगा तो आ जाएगा ए का मान आ गया है 5, ए का मान आ गया है 5। अब हमें y तो निकल गया, लेकिन हमें y के साथ क्या निकालना है, x। x किसके बराबर है, 1/x a के बराबर है, 1/x बराबर है a के। तो x किसके बराबर होगा, 1/a के, इसका उल्टा, और 1/a, a कितना है 5। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास x का मान आ गया है 1/5 और y का मान आया है माइनस, y का मान आया है -2। ये ही इस समीकरण का हल है। ये जो हमने निकाला x की मान, x का मान और y का मान, ये ही इस इन दोनों समीकरणों का हल है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को बार बार देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो समझ आ जाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।